हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मंगलवार का दिन, तो मैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैं किस तरीके से मंगलवार के दिन पूजा वगैरह करती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप बहुत हड़बड़ी में हैं तो भी आज के दिन आप श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। तो मैं मेरा पूजा करने का तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता होगा, बट मैं एकदम सिंपल तरीके से करती हूँ। और मेरा ऐसा सोचना होता है कि जब हम बिज़ी लाइफ में होते हैं या फिर ऑफिस वर्क होता है तो क्या होता है ना, पूजा वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता, फिर सोचते हैं कि यार कैसे करें कैसे करें। तो उस पर्पज़ से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आप बहुत कम टाइम में भी कैसे पूजा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप लोगों को हनुमान चालीसा याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा पूजा करना। तो फिर क्या, मन में हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और फिर दिया वगैरह जला लीजिए, इतना सफिशिएंट होता है। भगवान श्रद्धा देखते हैं। आज का मेरा ये वाला ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से ट्यूसडे को पूजा करते हैं। ऐसा थॉट है कि मैं डे वाइज कलर पहनना प्रेफर करती हूँ। जैसे ट्यूसडे है तो मैं रेड पहनती हूँ, संडे को भी रेड, क्योंकि संडे सूर्य भगवान का दिन होता है तो सूर्य भगवान को भी लाल कलर, रेड कलर बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से थर्सडे है तो येलो, तो और वेडनेसडे गणपति जी का दिन है तो उस दिन भी येलो कलर, केसरी रंग, ये सब अच्छा लगता है पहनना, तो मैं कोशिश करती हूँ वैसे ही। तो आज हनुमान जी का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, तो मैंने इसीलिए रेड कलर का पहना। अगर आप नहीं भी पहनते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोअर टी शर्ट पहनते तो टी शर्ट रेड कलर का, लोअर किसी और कलर का, ऐसे कुछ भी आप पहन सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं मंदिर की सफाई करूंगी। मैं डेली ही ये काम करती हूँ, पूरे भगवान को साफ़ नहीं करती, बट जो मंदिर का परिसर होता है उसको एक कपड़ा रखती हूँ, उसी से मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो जो इनिशियल तैयारी है वो कर लेती हूँ। तो एक ये स्टील का प्लेट यहाँ पे मैं रख रही हूँ जिसमें मैं फूल रखूँगी, और फूल जो है मैंने यहाँ पे गुलाबी रंग का लिया है। वैसे तो लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को, बट मेरे पास नहीं है तो ये मार्केट से लाना तो पॉसिबल नहीं है। जब होता है तो मैं लाल रंग चढ़ाती हूँ, नहीं तो मैं जो भी मेरे बालकनी में फ्लावर निकलते हैं मैं वही अर्पण कर देती हूँ। और इस तरीके से मैं अरेंजमेंट करती हूँ। जो स्टील का है उसमें मैंने दिया और बत्ती करने के लिए धूप जलाने की व्यवस्था की है, और ये जल लिया है, और एक प्लेट जिसमें मैं प्रसाद चढ़ाऊँ। फिर साथ में मैं यहाँ पे घंटी रख देती हूँ क्योंकि आरती के लिए लगेगा मुझे। तो तैयारी मेरी पूरी हो गई है, अब बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ तुलसी पत्ता रखूँगी। जैसा कि आज मंगलवार है तो तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो जो गिर जाते हैं तुलसी जी का पत्ता वही मैं उठाकर फिर यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि प्रसाद में जब भोग लगाती हूँ तो मैं तुलसी का पत्ता ज़रूर डालती हूँ। और अगर नहीं मिल पाता है गिरा हुआ तो फिर मैं रहने देती हूँ, मैं लेकिन तोड़ती नहीं हूँ। और आज जैसे मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, तो मैं लड्डू का भोग लगा रही हूँ क्योंकि लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और मंगलवार को मैं कोशिश करती हूँ, मंगलवार और शनिवार को, कि मैं लड्डू का ही भोग लगाऊं। और साथ में मैं डाल रही हूँ चार काजू, मतलब चार काजू और एक लड्डू, टोटल पाँच हो जाते हैं। तो पंचमेवा जैसा मैं भोग लगाती हूँ, कभी किशमिश भी डाल देती हूँ, चाहे मुनक्का डाल देती हूँ, तो इस तरीके से पाँच चीज़ों का मैं भोग लगाती हूँ। तो ये हो गया है, अब मैं इसमें घी का दिया जलाऊंगी। तो ये है मेरे पास घी जो मैं अलग से रखती हूँ पूजा के लिए। और मैं सुबह घी का ही दिया जलाती हूँ, सुबह जब भी मैं पूजा करती हूँ मॉर्निंग में, तो घी का दिया जलाना मुझे पसंद आता है। आप के पास अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप तिल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो श्रद्धा होती है मैं उस हिसाब से पूजा करती हूँ। तो मैं मेरा पूजा करने का तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और शाम के टाइम जब मैं पूजा दिया बत्ती करती हूँ तो उस टाइम पे मैं तिल का तेल जलाती हूँ। तो ये मेरा पूजा स्टैंड है जिसमें यहाँ पे है तिल का तेल और यहाँ पे है घी, और पीछे जो आप बॉटल में देख रहे हैं वो है सरसों का तेल। तो ये है बाती, गोल वाली जो बाती आती है ना वो है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है मंदिर के लाइट का,
मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैंने बाती को पूरे अच्छे से घी लगा दिया है ताकि ये अच्छे से जले। बाती को जला देती हूँ। और साथ में ही धूप जला रही हूँ। और धूप के लिए मैं ऐसा मिट्टी का जो दिया होता है ना वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको स्टैंड नहीं, और स्टैंड होता भी है तो वो स्टैंड गर्म हो जाता है, और इसके हेल्प से वुडन जो ये है स्लाइडिंग वाला, तो उसको वो हार्म करता है। तो इसलिए मैं मिट्टी का ये दिया रखती हूँ ताकि उसमें मैं जला सकूँ। और थोड़ा इसको घी में डिप कर दे रही हूँ ताकि ईजिली जल जाए। इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ, थोड़ा देर के लिए जलने देती हूँ ताकि अच्छे से वो जल जाए तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो क्या होता है ना 2-1 सेकंड के बाद वो बुझने लगता है। तो इस तरीके से मैं छोड़ दे रही हूँ 2 मिनट। तो पूजा की तैयारी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैं हनुमान जी को लाल चंदन जो है वो लगा देती हूँ। और मैं हमेशा एक गलती करती हूँ, क्योंकि मेरा जो बुक रहता है पढ़ने वाला वो इस ड्रॉ में रहता है, और ये सब कुछ जलाने के बाद वो ड्रॉ खींचने पे सब दिक्कत आ जाती है। तो मैं 2 मिनट के लिए इनको हटाती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा दिक्कत हो तो मेरी तरह गलती ना करें, पहले बुक्स निकाल लीजिए पढ़ने वाला जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें, फिर दिया बाती करें, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है। तो खैर कोई नहीं, मैं 2 मिनट के लिए इनको साइड में करती हूँ ऐसे नीचे, ताकि डिसबैलेंस ना हो। और ये रही मेरी सुंदर कांड की किताब। और आज जैसे मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप नहाते वगैरह, नहाने के बाद तुरंत जब पूजा की तैयारी जब कर रहे होते हैं, जब आपका वर्क चालू है और ऐसे मन शांत है, तो उस टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मैं वैसे ही करती हूँ। जब मैं पूजा का बर्तन वगैरह धोते रहती हूँ या फिर मैं पूजा की तैयारी करते रहती हूँ, तो मेरा उस समय मन शांत रहता है, तो मैं उस टाइम ही हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे याद है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसी सब इसी तरीके से सारा अरेंजमेंट करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। मंगलवार के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए, मंगलवार और शनिवार के दिन। तो अभी आज जैसे मंगलवार है, तो मेरा माना हुआ है कि मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगी। तो सुंदरकांड की किताब है ये मेरे पास, और ये जैसे मैंने हैंकी रखा हुआ है रेड कलर का, मतलब ये मेरा मार्क है कि मुझे यहाँ से अभी पढ़ाई शुरू करनी है सुंदरकांड की पुस्तक किताब की। मतलब मेरा ये श्रद्धा है, शौक है, भगवान जी को बोला हुआ है कि मेरी जितनी शक्ति होगी, श्रद्धा होगी, उस हिसाब से मैं पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा बुक एक ही दिन में कम्प्लीट करना है, मैं ऐसे इंस्टॉलमेंट में पढ़ती हूँ। जैसे सुबह पढ़ ली, थोड़ा शाम को पढ़ ली, तो इस तरीके से मुझे ये कम्प्लीट करना है, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ सुंदरकांड की किताब। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको श्रद्धा है तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। मैं पढ़ती हूँ इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ। बाकी मैं बाकी आपको अगर मंगलवार के दिन जो पूजा करना, बस ये सिंपल तरीका है पूजा करने का, और इसमें आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी की आरती करनी है, और बस इतना भी करते हैं। तो जो भी आप श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, हनुमान जी खुश होते हैं, अपना आशीर्वाद अनुकंपा बनाए रखते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से मंगलवार के दिन पूजा करती हूँ। तो चलिए मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मेरी पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ आरती करने हनुमान जी की। हो गई है, तो आरती करने के बाद मैं भगवान को आरती दिखा देती हूँ और फिर मैं भी आरती ले लूँगी। मैं बुक को तोड़कर यहीं पर रख देती हूँ।
बाद में फिर मैं अंदर रख दूँगी ड्रॉ में। अब प्रसाद को नियोच लेती हूँ, नियोच करके उठा लेती हूँ, या आचमनी भी बोलते हैं, आचमनी करके उठा लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ी हुई हूँ और फिर आचमनी कर रही हूँ तीन बार, एक बार, दो बार और ये तीन बार। और ये जो जल है वो मैं नीचे यहाँ पे गिराती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी है, लकड़ी पे पानी गिराऊंगी तो लकड़ी खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं तो ऊपर ही करते हैं, या तो प्रसाद में कर सकते हैं ऐसा, तो मैं नीचे गिराती हूँ। तो मेरा आचमनी हो गया है, तो मैं प्रसाद को उठा लेती हूँ भगवान से आज्ञा मांग कर। हे समस्त देवतागण, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं प्रसाद को आपके आशीर्वाद स्वरूप उठा सकूं। प्रसाद उठा लिया मैंने, तो ये है मेरा आज का प्रसाद, आप लोग भी ले लीजिए प्रसाद। तो मैं प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ।